कांग्रेस ने पूरी तरह से अपने आप को परख लिया था और उसे लग रहा था कि देखिए हमारी ही जीत होगी। और देखिए जो इस वक्त फिगर शुरुआती रुझान तो अब नहीं कहा जा सकता इसे प्रेम जी, अब तो कोई बहाना भी नहीं कि शुरुआती रुझान है। लेकिन बात हम मध्य प्रदेश से शुरू करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में वाकई मामला फंसता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में दोनों सेंचुरी लगा चुके हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। बीजेपी की 101 सीटें हैं तो कांग्रेस की 108, रुझानों की बात कर रहा हूं। तो कुल बाकी जो हैं अभी 217 के रुझान आ गए, 13 के सिर्फ बाकी हैं, अन्य के खाते में 8 हैं। हाँ। तो आप देखिए कितना नेक टू नेक फाइट है कि सरकार बनाने के लिए चाहिए 116 सीट, 116 सीट से 8 सीट कम है कांग्रेस, और बीजेपी को देखिए 15 सीट कम है, और रिजल्ट आना है 13। तो बीजेपी को तो हम सीधे अभी माइनस करते दिख रहे हैं कि काफी है, लेकिन अन्य का भरोसा रहेगा उनको भी। अगर अन्य के साथ मिल जाते हैं, ये ट्रेंड अगर आगे बढ़ता है, और तो जो करीबी मामला है फिलहाल, अगर आधा 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद हम बात करेंगे तो और चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में बहुत ही नजदीकी मामला। बिल्कुल। और अगर हम मुद्दों की बात करें जो लगातार हर बार हम लोग चर्चा में करते हैं कि देखिए कई मुद्दे इस बार नहीं चलेंगे, और ऐसा लगता है कि कई मुद्दे इस बार नहीं चले एके साहब, ना तो राम मंदिर का मुद्दा चला, ना बीजेपी की तरफ से जो विकास की जो अवधारणा बीजेपी की तरफ से जो लगातार एक तरह से बताने की कोशिश हो रही थी कि उसकी क्या अवधारणा है, क्या उसका विजन है, जनता ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ जो दावे किए जा रहे थे कि हम बड़ा होमवर्क किए हैं जमीनी लेवल पर, वही काम आया। देखिए मैं आपको बताऊं, विकास की अवधारणा ही केवल बीजेपी प्रस्तुत करती रह गई, कॉन्सेप्ट बताती रह गई। हाँ। विकास जो लोगों को फर्क दिखा दे, महसूस करा दे, वो तो हो नहीं पाया। हाँ। 2-3 साल 4 साल में। हाँ। ये केवल अवधारणा, कभी मेक इन इंडिया का इन्होंने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, देखिए दो साल पहले से मेक इन इंडिया पे कोई बात नहीं है। आपके पास में जब आ रहा हूँ एक ही बड़ी खबर आ रही है, देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, चुनाव परिणाम से पहले लुढ़का बाजार सेंसेक्स में, लेकिन हालांकि 300 हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि 511 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है सेंसेक्स में, 300 से ज़्यादा है ना, 200 पॉइंट और बढ़ चुका है, यानी कि सेंसेक्स में 510, और अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग निफ्टी ही 150 अंक टूटा है, और निफ्टी का 150 अंक टूटना बहुत बड़ी बात हो जाती है प्रेम जी, है ना, 50, 60, 100। हालांकि आजकल निफ्टी बहुत गिरता है या बहुत बढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में भी देखिए किस तरह से इसका खराब रिस्पांस बाजार ने दिया है, लगभग 500 अंकों की गिरावट, 500 से ज्यादा हो चुका प्रेम जी, लगभग 510, अब देखिए 501 है, ठीक है 500 पॉइंट की गिरावट बाजार में देखी जा रही। रुपया भी कमजोर हुआ जैसा कि आप कह रहे थे, और रुपया का कमजोर होने का मतलब है कि समझ सकते हैं कि कारोबार पर इसका कितना बड़ा असर होगा। अगर 1 से 1.5 रुपये का अगर गिरावट हो जाए तो समझिए क्रूड हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, है ना, सोने चांदी की कीमत किस तरह से आगे बढ़ेगी, हमारा जो है हमारा निर्यात पे आयात पे, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कितना इसका असर पड़ेगा, है ना, जो बाहर कहीं भी हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क है। चलिए एक खबर और आ रही है, बड़ी खबर है, राजस्थान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की ओर है, और लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए, राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पूर्ण बहुमत की ओर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। 2019 से पहले बीजेपी को बड़ा चुनावी झटका मिला है, 5 प्रदेशों के चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान यहां पर लग रहा है ऐसा, अब इसे शुरुआती रुझान भी नहीं कहा जा सकता है प्रेम जी। छत्तीसगढ़ में 90 के 90 रुझान आ चुके हैं। हाँ। और उसमें 30 पर यानी 1/3 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है। हाँ। 1/3 सीटों पर इतनी, हाँ, इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी हार की तो कल्पना नहीं की थी बीजेपी ने। एग्जिट पोल भी फेल हो गया यहाँ पर, हम एग्जिट पोल पर नजर गड़ाए बैठे थे कि वो क्या कितना वो सही होता है। छत्तीसगढ़ में देखिए इतनी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ी है। 6 अन्य सीट है, 54 कांग्रेस है, यानी 60 सीटें, 90 में 60, 2/3 2/3 एंड बीजेपी के खिलाफ सीटें। अब एके से ही सवाल होगा, एके कह तो रहे थे कि इस गैप को बहुत जल्दी भर लिया जाएगा, थोड़ा सा मैं आपके एंगल समझना चाह रहा हूँ एके। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो मैंने ये शुरू में बोला था, वहाँ पे एक जो अजीत जोगी जी का जो फैक्टर है, बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों जा रही है, सारे इलेक्शन के लिए मैंने बोला था बीजेपी के लिए नाको चने चबाने वाली चीज होगी ये, अगर अपनी इज्जत भी बचा ले और कांग्रेस परफॉर्म करेगी। अजीत जोगी का अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-8-10 सीटों का जो गैप है अजीत जोगी प्लस बीएसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो अजीत जोगी जी वहां पे कांग्रेस के चेहरा थे, वो लीडर थे अपोजिशन के,
भले ही वो जीते, बहुत अच्छी सीटें लाए या ना लाए, लेकिन इतना तो वो रोल जरूर प्ले कर देंगे कि कांग्रेस को आगे निकाल देना, यानी हार जीत या मार्जिन किसका होगा ये चीज होगा। दूसरी चीज, पिछली बार जो आपने अभी पूछा था, हमारी बातें रह गई थी गौरी जी, सवाल यह है कि काठ की हाड़ी को आप कब तक चढ़ाएंगे बार बार। बीजेपी के साथ यही हुआ, ये पिछले 3 सालों से 4 सालों से केवल कॉन्सेप्ट ही प्रेजेंट करते रह गए, अपना विजन ही प्रेजेंट करते रह गए, जो 2014 में किया था, हम विश्वगुरु बनाएंगे जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, राम मंदिर की बातें हर जगह होती रही। इसका इंपैक्ट तो देखना बाकी है मिश्रा जी, नहीं नहीं देखिए, राम मंदिर बनाएंगे कि विश्वगुरु बनाएंगे, जब मोरोनस हो जाता है, इसी का बेनिफिट तो कांग्रेस को मिल रहा है। देखिए देखिए, मैं बताऊं आपको, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों। आम जनता क्या ढूंढती है? रोजगार। आम जनता क्या ढूंढती है? तो जब इनके भाई आए नहीं, हमारे 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 ऊपर, हमारे ऊपर अगर किसान की बात करें, हमारे ऊपर अगर कर्ज है तो थोड़ा सा सरकार की तरफ से राहत मिली। आम जनता ये भी देखती है, हकीकत में उतार नहीं पाए। आम जनता ये भी देखती है कि गांव-गांव तक सड़क बिजली पहुंची या नहीं, पानी की क्या व्यवस्था है। लेकिन जनता परेशान थी, बीजेपी नहीं समझा पाई। जो चेंज लाना चाहते थे वो केवल बातों में रह गया। एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूं अपने विश्लेषण से, कि राजनीतिक मुद्दा, देखिए कोई भी विषय भी बनता है जब परस्पर विरोधी विचार दो दलों के होते हैं, दो समूहों में। लेकिन अभी क्या हो रहा है? बेरोजगारी कांग्रेस भी हटाना चाहती है, बीजेपी भी हटाना चाहती है, तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाता। लेकिन फर्क है, आप देखिए, लेकिन फर्क है। कांग्रेस अगर बेरोजगारी की बात कहती है, बीजेपी बेरोजगारी की बात कहती है, तो कांग्रेस, मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में सरकार रही, उस वक्त नौकरियों की बहुत ही बहार होती थी, सरकारी नौकरियों की, हर जगह नौकरी ही नौकरी दिखती थी, लोगों को नौकरी लग जाती थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है ना। वो अच्छा खासा उनका जो सपना होता है कि बड़ी नौकरी लेंगे, अच्छी नौकरी लेंगे, अपने हिसाब से नौकरी लेंगे, वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते। मैं कितना सही कह रहा हूँ और गलत कह रहा हूँ। बातों का जवाब देते हुए फिर मैं वापस उस मुद्दे पर लौटूंगा। हाँ। फिर आपने जो कहा कांग्रेस के समय में नौकरियों की बहार, इसको मैं दूसरे तरह से देखता हूँ। हाँ। पहले क्या होता था कि इन सब चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है, आपकी आमदनी भी बढ़ रही है और मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। हाँ। कीमत भी बढ़ रही, महंगाई भी बढ़ रही है और आपकी आमदनी भी बढ़ रही, ये स्थिति होती थी। तो महंगाई को लेकर के गुस्सा होने के बावजूद वो बात नहीं हो पाती, तो चुनावी मुद्दा नहीं हो पाता। हाँ, हाँ। लेकिन अब क्या है, महंगाई अगर स्थिर मान लिया जाए, कंपैरेटिवली स्थिर है। हाँ। यूपीए सरकार से बेहतर स्थिति है महंगाई की, लेकिन महंगाई स्थिर होने के बावजूद आमदनी हमारी घट रही है, आमदनी स्थिर बनी हुई है। अगर आमदनी ही ना बढ़े और महंगाई फिर अगर स्थिर भी रहती है तो जनता की परेशानी बढ़ती है। एग्जैक्टली यही बात। एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, शुरुआती रुझान जो रहा ठीक है, चीजें बदल रही है भी मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन देखिए अब सवाल उठेगा कि विजन डॉक्यूमेंट्स, जो मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से जारी किए गए और जो मैनिफेस्टो कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए, जनता ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुहर लगा दिया। नहीं देखिए, ये और बीजेपी की मैनिफेस्टो को नकार दिया है कि नहीं? हाँ, देखिए क्या है, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा गैप को देखिए। होता ये है कि जो भी मैनिफेस्टो इन्होंने दिया, डेफिनेटली बीजेपी की आइडियोलॉजी को और पिछले 4 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा और वहां के स्टेट जो है नेतृत्व में जो उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी पब्लिक कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। बीजेपी ने जो चीजें बोला, चाहे सेंट्रल में चाहे स्टेट के जो लीडरशिप थे, उसको ग्राउंड लेवल पे ये उतार नहीं पाया और उस चेंज को जनता महसूस नहीं कर पाई। जनता तकलीफ में थी। और एक चीज और बोलूं, हो सकता है स्टेट में बीजेपी की जो है हालत इतनी खराब नहीं होती, जो 2-3 डिसीजन इन्होंने ले लिए, नो मैटर, हो सकता है बीजेपी का इरादा बहुत अच्छा था लेकिन उसके परिणाम इतने भयानक हुए। जैसे नोटबंदी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इंस्टेंट जो इफेक्ट पड़ा ना, कि रोजगारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, फैक्ट्रियां कम हो गई, तरीके और भी थे ब्लैक मनी को आउट करने के लिए हेल्दी वे में, तो ये चीज अब इसका, ये डिसीजन सेंटर का था लेकिन इसका असर तो स्टेट पे भी पड़ा। ये छोटे छोटे ऐसे चीजें थे। देखिए, कांग्रेस जो 10-15 सालों से अगर सत्ता में है ही नहीं, तो वो तो डेवलपमेंट की बात करेंगे नहीं, वो कोई रिजल्ट तो देंगे नहीं कि भाई हमने ये काम किया है। उनको बेनिफिट मिल रहा है बीजेपी के फेलियर का। एक जी देखिए, बहुत देर से मैं सोच रहा था कि बीजेपी या कांग्रेस का कोई नेता हमारे साथ जुड़ जाए, कोई नेता रोकना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग मध्य प्रदेश से खबर, इंटरेस्टिंग बताइए, जनता पार्टी आगे हो गई है, भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है और बहुत ही नेक टू नेक
नेक जो चल रहा था 108 और 106 मैं तभी से कह रहा हूँ, अब उतना भी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन इतना इतना नेक टू नेक है, 6 अन्य है, 108 बीजेपी है, 106 कांग्रेस है, 114 और 8 122 8 सीटों का रुझान आना बाकी है। ये 8 सीटें ही तय करने वाली मतलब है कि मतलब किसकी सरकार बनेगी। मतलब प्रेम जी माना जाए कि अब एमपी में बीजेपी आगे है। गौरी जी नहीं, 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 दो सीटों से एमपी में बीजेपी आगे चल रही है, 108 और 106। अभी कितनी बार ये चेंज हो रहा है, लेकिन अब ये डिसीजन मेकिंग जो है फिगर पे पहुंच रहा है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ठीक है, थोड़ा कम शब्दों में। हाँ, राजीव दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। सुनिए क्या है। हाँ, मुझे ये लगता है ना, जैसा आप सब लोग भी बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि ये कॉम्पिटिशन ऐसा हो जाए हर जगह कि बीजेपी और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए दूसरे अन्य का या ऐसा हो सकता है। मैं मानता हूं इंडिपेंडेंट का, मुझे ज्यादातर ये लगता है, लेकिन अभी कहना ठीक नहीं, अभी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। तो है ना, एक घंटा क्या प्रेम जी लगता है, एक घंटा भी और वेट करना चाहिए, आधे घंटे के भीतर एस्टेब्लिश होता है। राजीव दीक्षित जी स्वागत है आपका, थोड़े उदास लग रहे हैं आप। दीक्षित नहीं, उदास की कोई बात नहीं है, देखिए ये तो राजनीति है और यहाँ पे चुनाव है। जी जी जी, लेकिन देखिए एक अच्छी बात आपको बता दें कि एमपी में बीजेपी आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी हालत खराब है आपकी, और राजस्थान में तो खैर बहुत बुरी हालत है। मिजोरम से कांग्रेस यहां से निकलता दिख रहा है। जी जी जी, खैर उनको मतलब नहीं नहीं, देखिए 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 ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा बात बिल्कुल सही है, बीजेपी आगे हो गई या पीछे होगी ये तो जब अंतिम रिजल्ट ही बताएगा। अच्छा राजीव दीक्षित जी, हम लौटते हैं थोड़ी देर में, चूंकि आज ब्रेकिंग बहुत है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही, तो उसे दिखाना जरूरी है। एमपी में बीजेपी पहली बार, अगर शुरुआती रुझान से अब तक की बात करें तो पहली बार इस वक्त बीजेपी आगे हो चुकी है। बीजेपी 105 सीटों पर या 108 108 बताया था प्रेम जी, 110 बीजेपी, 110 कांग्रेस, वाह 110 पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 107 सीटों पर आगे चल रही है। मात्र कितने का रह गया, 3 सीटों का, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये नहीं, 5 सीटों का रुझान आना बाकी है, 7 अन्य के नेक टू नेक है, नेक टू नेक है, नेक टू नेक है। देखिए रोलर कोस्टर का दोनों में किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है अभी की स्थिति में, ये आप निकाल सकते हैं। वही चीज मैं शुरू से बोल रहा हूं, अब रुझान देखिए अभी भी बदल सकता है, लेकिन एट द फ्रॉम अभी आज नहीं, मैंने पहले भी बोला था कॉम्पिटिशन इतना टफ हो जाएगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ का भी कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में पहुंचते पहुंचते ऐसा चला जो अदर्स है उनकी भूमिका बहुत जबरदस्त हो गई। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, छत्तीसगढ़ का मिरेकल हो चुका है, छत्तीसगढ़ का मामला अलग हो गया और बीजेपी को बहुत बड़ा सदमा लगा है, लगभग एकदम 2/3 की बात है। हाँ। मतलब अगर बीजेपी 1/3 पर सिमटते हुए दिख रही है, लेकिन देखिए देखिए लेकिन देखिए मेरा एक मिनट देखिए बात में अंतिम रिजल्ट लेकिन रुझान की नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, देखिए सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सवाल नहीं, सवाल है बीजेपी की रणनीति, बीजेपी के मैनिफेस्टो और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। राजीव दीक्षित जी देखिए आप समझ गए होंगे कि सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, थोड़ा सा बताएं आप लोगों का विजन डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों का मैनिफेस्टो, आप लोगों का वादा जनता के बीच में जो आप लोग गए जाकर के बाकायदा जो चुनाव प्रचार हुआ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया जनता की तरफ से, मानिए इस बात को आप लोग, अब कोई चारा भी नहीं है। राजीव दीक्षित जी अगर एमपी जीत भी जाते हैं तब भी कह रहे हैं कोई चारा नहीं, क्यों गौरी शंकर जी देखिए ऐसा है, हालत खराब आपकी है, राजस्थान में हालत खराब है, देखिए हो गया 109 जी 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 गौरी शंकर जी जी नहीं नहीं देखिए देखिए मैं एक एक करके सब बताता हूँ। गौरी शंकर जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारी अगर 15 साल से आप मान जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि आज ना आज टाइम कम मिलेगा, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी खबर आ रही, रुकिए दीक्षित जी थोड़ा सा, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जो बड़ी खबर आ रही, राजनांदगांव से सीएम रमन सिंह आगे चल रहे हैं, करुणा शुक्ला अब पीछे चल रही है। देखिए अब चेंज हो गया सर, अब थोड़ा पासा पलट गया सर, ये सीसो का गेम है सर, रोलर कोस्टर है ये, मुझे लग रहा है एके जी को थोड़ी राहत मिली होगी। नहीं राहत नहीं सर, जो फैक्ट है मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा था, सीट पर तो ये होगा। चले मारवाही सीट भी देख ले, मारवाही सीट पर भी देखिए, एक अप्रोच की बात कर रहा हूं, नहीं मारवाही सीट को देख ले, अजीत जोगी वहां पर आगे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सीट पर अजीत जोगी को हरा भी, ओवरऑल रुझान चल रहे हैं, बताइए थोड़ा प्रेम जी, बताइए पूरा बता दीजिए एक बार, पूरा बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, इसमें कौन सा परिवर्तन आने वाला है? नहीं नहीं मैं इस चीज को मैं मानता हूँ, छत्तीसगढ़ होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के लिए सर देखिए मैं अभी भी ये बैलेट पेपर का रुझान नहीं है, ये काउंटिंग का रुझान है,
है ना सर, कितनी देर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मुझे ये बताइए। 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, 3 घंटे में अगर आ जाएगा लास्ट का जो अब 1 घंटा बचा है, अभी मैं उसको डिसीजन मेकिंग मानता हूँ। लास्ट का जो बचा हुआ है एक अभी 10, देखिए 10 बजने वाला है, मान करके अगर 3 घंटे का आप मानते हो तो लास्ट के 1 घंटे को मैं मानना शुरू करूंगा। 12 बजे तक पूरी तरह से मामला साफ हो जाए, लेकिन हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं उनसे, राजीव दीक्षित जी से बात करना चाह रहे हैं। राजीव दीक्षित जी, मेरा सवाल रह गया, मेरा सवाल पूरा हो गया था आपका, जी, जी, आपका आंसर जो है उसका जवाब अधूरा रह गया, थोड़ा सा पूरा कर दीजिए उसको। आप लोग का मैनिफेस्टो फैल रहा, जनता ने आप लोग को रिस्पांस नहीं दिया बढ़िया से इस बार। गौरी शंकर जी निश्चित जी चीजों को मानना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि हमारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर हम मान लें कि 15 साल से हमारी सरकार है और उसके बाद भी हम अगर लड़ाई में है इनकम्बेंसी के अगेंस्ट, उसके बाद भी हम लड़ाई में है, तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहेंगे हम लड़ाई में मौजूद हैं, इसका मतलब हमारा जनता ने पूरी तरीके से नकारा नहीं है। ये बात तो आपको राजीव दीक्षित जी, रही बात राजस्थान की, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि चार पांच चीजें पॉइंट वाइज रख दीजिए ना, आज थोड़ा सा वक्त कम है, इतना धीरे धीरे बोलेंगे, घुमा घुमा के बोलेंगे, देखिए यही तो दिक्कत हुई इस बार लग रहा है आप लोग। जी जी, बीजेपी के नेता इतना घुमा घुमा के क्यों बात करते, एक बात को बोलने में 10 मिनट लगाते हो, उस बात को बोलने के लिए प्रेम जी को 1 मिनट लगता है, घुमा घुमा के ना, देखिए प्रेम जी को 1 मिनट लगता है और AK साहब को 1 मिनट लगता है, मैं तो आधे मिनट में पूरा कर लेता, आप लोग 10 मिनट में किसी बात को पूरा, देखिए दिक्कत है, मैं भी कहने वाला हूँ, जनता इसलिए नहीं समझ पाई आपकी बात, मैं आपकी बात, बोलिए बोलिए बोलिए, बस जल्दी पूरा कीजिए। मैं निश्चित तौर पे अभी तो ये रुझान है, अंतिम जो रिजल्ट रुझान है, मानते हैं अभी ये रुझान है, अंतिम रिजल्ट आएगा, यदि आगे निकल गए से बाहर होते, चले कोई नहीं, राजीव दीक्षित जी बने, अगर शुरुआती रुझान पे हम लोग करें तो आपकी बात सही है कि हो सकता है हम लोग जनता को नहीं कन्विंस कर पाए अगर शुरुआती रुझान पे ही करें, लेकिन आप इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि जहां पे 15 साल से सरकार रही है वहां एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद भी यदि हम लड़ाई पार्टी बोलती थी तब तो आप उसको अपनी महाविजय बताते थे, अभी नहीं बोलते हार रहे हैं, अभी बोलना ठीक नहीं है, चूंकि मैं तो कह रहा हूँ कि 12 बजे तक तो इंतजार कीजिए, अभी अभी हार अभी हार जीत की बात नहीं करेंगे, अभी अभी नहीं, अभी तो रुझानों के बारे में कर रहे हैं, बाकी है देखते क्या, बहुत जल्दबाजी होगा किसी चीज में कहना कुछ भी। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहें और चर्चा जारी रहेगी, लेकिन बीच में खबरें बहुत हैं, ब्रेकिंग खबरें, बड़ी खबरें, पूरी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जनता का फैसला आ रहा है और धीरे धीरे कभी बीजेपी आगे तो कभी कांग्रेस आगे, लेकिन मिला जुला कर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस वहां पर आगे और नेक टू नेक